ओनली स्टडी कंप्लीट स्टडी के एक नए प्रोग्राम ऑडियो आर्टिकल में आपका स्वागत है। आज का ऑडियो आर्टिकल का टाइटल है कोरोना वायरस का कहर जारी और इसके कारण साइप्रस में होने वाली शूटिंग वर्ल्ड कप से भारत को बाहर कर दिया गया। तो आज का ही हमारा टाइटल है दोस्तों। दोस्तों आर्टिकल को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही लेटेस्ट आर्टिकल पाने के लिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। भारत हाल ही में कोरोना वायरस COVID-19 जो कि कोरोना वायरस का कोड है, कोरोना वायरस के खतरे के कारण साइप्रस में होने वाली आगामी निशानेबाजी वर्ल्ड कप से भारत को बाहर कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी महासंघ ISSF से मान्यता प्राप्त शॉटगन विश्व कप का आयोजन 4 मार्च से 13 मार्च के दौरान साइप्रस की राजधानी निकोसिया में होना है। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ ISSF के अनुसार सरकार की सलाह पर भारतीय टीम को टूर्नामेंट से हटाने का फैसला किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ ने कहा है कि कोरोना वायरस एकमात्र कारण है जिससे हमने हटने का फैसला किया। साइप्रस में आयोजित होने वाले टूर्नामेंट के लिए भारतीय निशानेबाजी टीम में मानवजीत सिंह संधु, श्रेयसी सिंह एंड लच सयोराड और अंगद वीर सिंह बाजवा और मेराज अहमद खान जैसे निशानेबाज शामिल थे। ये सब निशानेबाज थे दोस्तों। भारतीय निशानेबाजों को दो बैचों में 2 मार्च और 4 मार्च को रवाना होना था, यानी कि 2 मार्च और 4 मार्च को रवाना होना था भारतीय निशानेबाजों को। भारत भी 16 मार्च से 26 मार्च के बीच डॉक्टर कर्णी सिंह निशानेबाज रेंज में संयुक्त विश्व कप की मेजबानी करेगा। हालांकि कोरोना वायरस की वजह से ही भारत में होने वाले निशानेबाजी विश्व कप से भी भारत अब तक 7 देश नाम वापस ले चुके हैं। इन देशों में चीन, मकाऊ, उत्तर कोरिया, ताइवान, हांगकांग, तुर्कमेनिस्तान और बहरीन शामिल हैं। ये सब देश हैं जो कि भारत के साथ साथ अभी तक जो कि निशानेबाजी से भारत से बाहर नाम ले चुके हैं। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से विश्व भर में प्रमुख खेल आयोजन या तो स्थगित किए जा रहे हैं या उन्हें रद्द किया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक कोरोना वायरस सी पोड से जुड़ा है। कोरोना वायरस विषाणुओं के परिवार का है तथा इससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। यह वायरस ऊंट, बिल्ली तथा चमगादड़ सहित कई पशुओं में भी प्रवेश कर रहा है। खास स्थिति में पशु मनुष्यों को भी संक्रमित कर सकता है। इस वायरस का मानव संक्रमण वैश्विक स्तर कम है। चीन से विश्व भर में पहले कोरोना वायरस COVID-19 अब 40 से ज़्यादा देशों में पहुंच चुका है। 40 से ज़्यादा देशों में क्या है, पहुंच चुका है। अब तक पूरे वर्ल्ड में इस कारण 82,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं, जबकि केवल चीन में 2700 से अधिक लोगों की मौत इस वायरस यानी कि कोरोना की वजह से हो चुकी है। इस वायरस के संक्रमण के अधिक मामले चीन में ही सामने आ रहे हैं, लेकिन दूसरे देशों में भी इस कारण कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको यह आर्टिकल पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको यह आर्टिकल, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक के लिए बाय।